Hello everyone, I am Komal Sharma. Welcome to our YouTube channel Study MLT. आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ट्यूबरकुलोसिस टॉपिक पर. इससे पहले हमने ट्यूबरकुलोसिस की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने ट्यूबरकुलोसिस के टाइप्स, उसका कल्चर, उसका लैब डायग्नोसिस और उसके जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो सारा कुछ पढ़ लिया था. अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन है, विच बैक्टीरिया कॉजेस ट्यूबरकुलोसिस? कौन सा बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है? तो इसका आंसर है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. सेकेंड क्वेश्चन इज, यूगोनिक ग्रोथ ऑन लोन स्टेन जिनसन मीडियम इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच बैक्टीरिया? यूगोनिक ग्रोथ लोन जिनसन मीडियम में, ये एक मीडियम का नाम है जिसको एल्जी मीडियम भी कहा जाता है, ये कौन से बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ है? तो इसका आंसर है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. यूगोनिक ग्रोथ का मतलब होता है रैपिड ग्रोथ. इस मीडियम में इस बैक्टीरिया की रैपिडली ग्रोथ हो जाती है, वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है. थर्ड क्वेश्चन है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन इज कॉमनली एक्वायर्ड बाय? किससे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन एक्वायर होता है? तो इसका आंसर है इनहेलेशन, यानी कि इनहेल करने के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कल्चर ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मे बी पॉजिटिव इवन इफ नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन द स्पेसिमेन इज? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का कल्चर पॉजिटिव होगा जब स्पेसिमेन में उसके बैक्टीरिया के कितने नंबर होंगे. आइए देखते हैं. एस फ्यू एस 10 to 100 पर ml, 1 ml में 10 से 100 होंगे तो उसका कल्चर जो होगा पॉजिटिव आएगा. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस जिसको एमडीआर टीबी भी कहा जाता है इज ड्यू टू विच एम ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस स्ट्रेन? कौन सी स्ट्रेन की वजह से एमडीआर टीबी होता है, यानी कि ये किस ड्रग को रेजिस्टेंट करता है? तो इसका आंसर है रेजिस्टेंट टू रिफैम्पिसिन एंड आइसोनियाजिड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बीसीजी वैक्सीन इज? बीसीजी एक वैक्सीन है जो कि यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं इसकी. ये वैक्सीन क्या है? तो ये वैक्सीन एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है. नेक्स्ट इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीजी? अब बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है? तो बीसीजी की फुल फॉर्म है बेसिलाई कैलमिन ग्यूरिन. ये साइंटिस्ट थे जिनका नाम पर इसका रखा गया. नेक्स्ट इज, विच बायोकेमिकल टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सा बायोकेमिकल टेस्ट इम्पॉर्टेंट होता है? तो इसका आंसर है नियासिन टेस्ट एंड नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट. इन ZN स्टेनिंग मेथड ट्यूबरकल बेसिला अपीयर्स ऑफ विच कलर? ZN स्टेनिंग मेथड होता है जिससे हम इस स्मेयर को स्टेन करके बेसिलाई को देखते हैं, वो इस स्टेनिंग के बाद कौन से कलर का दिखता है? तो वो दिखता है रेड कलर में, यानी कि ब्राइट रेड कलर का. नेक्स्ट इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलजी मीडियम? यहाँ पर जो आप फोटो देख रहे हैं ये एलजी मीडियम की फोटो है. एलजी मीडियम की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है लोन स्टेन जेंसन मीडियम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को किसने डिस्कवर किया? इसका आंसर है रॉबर्ट कोच. कब किया था? 1882 में. यहाँ पे जो फोटो आप देख रहे हैं ये है रॉबर्ट कोच, इन्होंने ही माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को डिस्कवर किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिमम पीएच फॉर द ग्रोथ ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम पीएच क्या होता है? तो इसका आंसर है pH 6.4 to 7. Which substance is present in algae medium that inhibits the growth of organism other than mycobacteria? Algae एक medium है, algae medium, lone stain Jensen medium. ये इसके अंदर कौन सा substance present होता है जो कि inhibit करता है बाकी microorganism की growth को other than mycobacteria, यानी कि mycobacteria के अलावा जो organisms होते हैं microorganism, उनकी growth को inhibit करता है. तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है मेलाकाइट क्रीम जो कि इनहिबिट कर देता है. नेक्स्ट इज, इन मेनिनजाइटिस
Which sample is used for the lab diagnosis of TB? Meningitis में कौन सा sample use किया जाता है lab diagnosis of TB, TB के lab diagnosis के लिए? इसका answer है CSF, यानी कि cerebrospinal fluid. Next, how many species of mycobacterium are responsible for mammalian tuberculosis? Mammalian tuberculosis के लिए mycobacterium की कितनी species responsible होती हैं? तो इसका आंसर है 7 स्पीशीज, यानी कि 7 स्पीशीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द साइट अदर देन लंग्स इन्फेक्टेड विद टीबी इज नोन एज. लंग्स के अलावा जो साइट अफेक्टेड होते हैं टीबी से, उनको कहा जाता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी साइट, यानी कि लंग्स के अलावा, लंग्स के बाहर वाली साइट. ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट इज विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन? ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट किया जाता है टीबी के लिए, वो किस तरह का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है? तो इसका आंसर है डिलेट और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच प्रोग्राम अ पेशेंट विद कफ फॉर 2 वीक्स और मोर इज इंक्लूडेड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस? कौन से प्रोग्राम के तहत एक पेशेंट को अगर 2 हफ्ते से खांसी है तो उसका डायग्नोस किया जाना चाहिए पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के लिए? तो इसका आंसर होगा रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, RNTCP. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ पीपीडी. पीपीडी की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है प्योरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which staining method is used to study the morphology of Mycobacterium tuberculosis? Mycobacterium tuberculosis की morphology को study करने के लिए कौन सा staining method use किया जाता है? इसका answer है ZN method, यानी कि Zeal-Nelson staining method. तो आज के सारे important question यही थे. अगर आपको ये video अच्छी लगी हो तो like, share and subscribe कीजिए. Thank you.